अगर सरकार उनकी नहीं बात मानती तो क्यों उसी सरकार के पीछे चलना चाहते हैं? इसलिए तो यहाँ पे लोकतंत्र में तरह तरह बना है भाई, विधायक होता है, फिर डीएम होता है, सीएम होता है, एसपी होता है, एसपी होता है, ऐसे होता है, तो क्या आप गलत काम करने के लिए सब एक साथ मिल जाएंगे आप? और उस पर लाठी नहीं, बिल्कुल विपक्ष का काम है आवाज उठाना और आप लोग आवाज उठा रहे हैं, वो तस्वीरों में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हालांकि किस तरीके से आप लोगों पर लाठीचार्ज यहां पर किया गया। लेकिन एक चीज और है अनुराग जी, देखिए एक तो आप लोग एक तरफ हवाला दे रहे हैं कि कोविड का जो समय है, कोरोना काल चल रहा है, जाहिर बात है कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग के विरोध प्रदर्शन के बीच में भी तो कोई गाइडलाइंस नजर नहीं आ रही है। ना तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नजर आ रहे हैं, ना तो उनके पास मास्क नजर आ रहा है। भाई अगर यहाँ भी संक्रमण फैलेगा तो ये कार्यकर्ता भी तो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं ना भदौरिया जी। अच्छा कमाल की बात है, तो इसके मतलब आप चाहते हैं सरकार का विरोध ना हो? सरकार नहीं, विरोध करिए, मैं विरोध करने से कहां इनकार कर रहा हूं राग भदौरिया जी, लेकिन भाई डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध करिए, बना लीजिए लाइन, एक एक गज की दूरी बना लीजिए, करिए विरोध। लेकिन आप लोग भी अगर नहीं करेंगे पालन तो फिर आप जिस बात को लेकर के विरोध करने गए उस पर भी सवाल खड़े होंगे अनुराग जी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। स्वागत हुआ था, लाठी बरसाई आपने? बरसाई पूछे ना, आपकी भी हिम्मत है तो पूछे, बरसाई थी लाठी क्या? कन्नौज के सांसद गए थे स्वागत समारोह में, नहीं लाठी बरसा पाए ना? इसके मतलब कानून विपक्ष के लिए सत्ता के लिए कानून नहीं है? समाज की बात आप भी करते हैं, आप लोगों को भी आनंद आता है ना विपक्ष से पूछने में, सत्ता से पूछने की हिम्मत? अरे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी नाराज मत होइए, अनुराग भदौरिया जी नाराज मत होइए, कानून देखिए सबके लिए बराबर है। भदौरिया जी अगर आप तोड़ेंगे तो आपसे भी सवाल है, सत्ता पक्ष तोड़ रहा है उससे भी सवाल होता है। अब भदौरिया जी अगर आप ना देखें या आपको ना सुनाई पड़ा हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना भदौरिया जी। भदौरिया जी सवाल सबसे होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा, सवाल सबसे होता है, लेकिन सवाल आपसे भी होगा अनुराग जी, आपसे भी होगा। चलिए ठीक है अनुराग जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, वाराणसी से खबर है, हादसे का शिकार हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और वाराणसी से लखनऊ जाते समय बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है, जौनपुर के बदलापुर के पास हुआ सड़क हादसा और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को अस्पताल में इसके बाद भर्ती करवाया गया है। और गोंडा बाबा आपको सीधे ले चलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हुए हैं, कोविड-19 हॉस्पिटल का यहां पर निरीक्षण आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। देवपाटन कमिश्नरी के अंदर 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस पूरी कमिश्नरी के जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन के साथ मिलकर के टाटा ट्रस्ट टारगेट्स फाउंडेशन ने इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने के लिए जो सहयोग किया है, इसके लिए इन दोनों ट्रस्ट के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। इससे पहले टाटा ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन ने नोएडा में भी एक 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के निर्माण में प्रदेश सरकार का सहयोग किया और सफलतापूर्वक वहां पर कार्य कर रहा है। हमारे लिए देवीपाटन कमिश्नरी जैसा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नीति आयोग को जो एक आदेश दिया था कि वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट है या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं,
ऐसे जनपदों को देश के अंदर चिन्हित किया जाए, उसके कुछ पैरामीटर तय किए गए और उस पैरामीटर पे सामान्य जनपदों की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके, इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जनपद निकले थे। पूरे देश के अंदर 115 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में 3 जनपद केवल इस देवीपाटन कमिश्नरी के हैं, जो अभी भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि के विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है या फिर रोजगार का है, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल से इस कमिश्नरी के 3 जनपदों की सीमा का मिलना, उस दृष्टि से भी हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस बारे में कहा कि एक हॉस्पिटल हम पश्चिम में देंगे और एक को हम पूरब में देंगे और पूरब में देवीपाटन कमिश्नरी को हम लोगों ने इसके लिए चुना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों से यहाँ पर हम लोग एडमिशन शुरू करके वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन करके यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई हम इस जनपद के अंदर, इस कमिश्नरी में गोंडा के अंदर देना प्रारंभ कर देंगे। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है और अगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों की स्थिति को देखा जाए, जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत अच्छा था, उनकी तुलना में भारत और भारत के अंदर भी विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की हम तुलना जब करते थे तो हमें पाते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है। 1947 से लेकर के 2016 तक इस कमिश्नरी में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं था और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हम इस देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर यहां पर यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से 3 मेडिकल कॉलेज अकेले इस कमिश्नरी के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज इस सब पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस बार कोविड-19 की लड़ाई में निरंतर सहभागी है। साथ साथ हम लोगों ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी और बलरामपुर से उनका एक लगाव था। केजीएमयू लखनऊ की एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण और उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और साथ साथ गोंडा में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। और मेरा अनुमान है कि जब ये 3 मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 की लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं थी क्योंकि 100 वर्षों के बाद किसी एक महामारी से लड़ने की एक स्थिति देश के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई थी। दुनिया ने इस दौरान अनेक प्रकार के वायरस से लड़ाई तो लड़ी लेकिन वे क्षेत्र विशेष में थी, उनके संक्रमण को लेकर के
या उस क्षेत्र विशेष में समय से उसके उपचार की तरीके ये सब विकसित कर दिए गए, लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान कोविड 19 एकमात्र ऐसा वायरस के रूप में हमारे सामने देखने को मिला है जिसका तीव्र संक्रमण, और अगर समय से हमने मरीज की को चिन्हित करके उसे उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफी बढ़ सकती है, और अगर वह लापरवाही वहां पर होती है तो फिर हमारी सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती हैं, और यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। जहां सब कुछ है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद बेहतर सर्विलांस न होने के नाते, व्यापक जन जागरूकता न होने के नाते मृत्यु दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण वहां पर अनियंत्रित किसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो चाहे वह 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह 25 मार्च से 4 चरणों में लॉकडाउन का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे पिछले 3 टर्म से चल रहे अनलॉक की कार्रवाई, और ये सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने समय से जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और दुनिया के अंदर सबसे कम संक्रमण वाले देशों में और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत है। और हम लोगों ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था उसे अक्सर से उत्तर प्रदेश में लागू किया, उसका परिणाम है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी निवास करती है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी के निवास करने के बावजूद देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और संक्रमण भी उत्तर प्रदेश का देश के अन्य बड़े राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे कम स्थिति में है। आज के दिन पर 4.3% ही हमारी पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हम डेथ रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में केवल 1.5% ही डेथ रेट है। ये लगातार ये कम हो रहा है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में निरंतर सतर्क रहना है, और सतर्कता के ही नाते बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, अन्य बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले स्वयं का बचाव करके लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना, 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए मास्क को जरूरी रखना, इन सब कार्यों के साथ हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता को बचाने के आह्वान में हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार पिछले 5 महीनों से लगातार सेवा के कार्यक्रमों में जुट करके जनता को राहत देने का कार्य कर रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि शासन स्तर पर बनाई गई कार्य योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा सफलतापूर्वक उसे लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होने के कारण गोंडा जैसे जनपद या इस कमिश्नरी जैसे जनपदों में सबसे अधिक माइग्रेंट लेबर भी आई थी और बड़े पैमाने पर आए, उनके रोजगार, उनके पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही जो अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए उन कार्यक्रमों का परिणाम है कि हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग धारणाएं रही होंगी, लेकिन हम लोगों का यह मानना था कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में हम उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाएंगे। और आज ये कार्य यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आए 40 लाख से अधिक उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों का समायोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया, वे लोग उत्तर प्रदेश में रह करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शासन के साथ सहभागी बनकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों,
चाहे वह प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर प्रदेश के अंदर मनरेगा जैसी योजनाओं को या कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपलब्धता का हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्र बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, कोटा में 12,500 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लॉकडाउन के दौरान कैसे लाया जाए हम लोगों ने निर्णय लिया। वे सभी बच्चे थे 12 से 15 साल 16 साल तक के बच्चे थे, उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाना एक चैलेंज था, तो भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और सुरक्षित उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रयागराज में 15,000 से अधिक छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया और ये कार्यक्रम निरंतर आगे चल रहा है। प्रदेश के अंदर पिछले मोदी जी के प्रधानमंत्री 2014 में बनने के बाद से विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर चली, उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया और 2017 में प्रदेश में सरकार आने के बाद आज आप देख रहे होंगे 1947 से लेकर के 2012 तक प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 20 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कर रहे हैं। 2 नए एम्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता के बारे में अगर आप देखेंगे, जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, हमारे पास तब जांच की कोई सुविधा नहीं थी, हमने 70 दिल्ली जांच के लिए सैंपल भेजा था और पेशेंट को भी हमने वहीं पर भेजा था। हमने पहली लैब स्थापित की थी मार्च के अंतिम सप्ताह में KGMU लखनऊ में और केवल 60 जांच उस दिन हमारी हो पाई थी। हमने धीरे धीरे इस क्षमता को विकसित किया। आज हमारे पास लगभग 200 टेस्टिंग लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें RT-PCR की 36 लैब्स हैं। हमारे पास हर जनपद के जिला चिकित्सालय में ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी हम लोग जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हर चिकित्सालय को हमने एंटीजन किट उपलब्ध कराने के लिए कहा है और आज के दिन पर हम 1,40,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश आज नंबर एक का राज्य है और सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। यानी हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम गोंडा में भी ये डेडिकेटेड 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल दे रहे हैं। यह एक कोविड हॉस्पिटल हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, मान्य सांसदगण, मान्य विधायकगण, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके प्रयास और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ के लिए निरंतर मांग उठाई थी, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर ये चीजें, क्योंकि इन लोगों के द्वारा शुरू शुरू में इस बारे में चर्चा होती थी। मुझे याद है जब हम लोग SDGs पर चर्चा कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, लगातार 36 घंटे तक सदन की कार्रवाई चलाई थी, तो उस दिन यहां के लोकल विधायक, गोंडा के लोकल विधायक लगातार 36 घंटे तक सदन के अंदर बैठ करके उस कार्रवाई का हिस्सा बने थे और उन्होंने साबित किया था कि वास्तव में जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे के साथ हम लोग गरीबी को मिटाने के लिए, भूखमरी को मिटाने के लिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को मिटाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। SDG पर जो चर्चा हम लोगों ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जो चर्चा की, वह केवल चर्चा तक सीमित नहीं थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे होंगे कि जब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के हर एक पैरामीटर पर देश के अंदर अच्छे स्थान पर उत्तर प्रदेश के जनपद दिखाई देते हैं। जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए COVID-19 ने हम लोगों को जो एक चेतावनी दी, इसके कारण हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, हम लोग इसी बहाने उसकी स्ट्रेंथनिंग करने में हम लोगों को मदद मिल गई, उसके सुदृढ़ीकरण करने में हमें मदद मिल गई और आज उसी का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे केवल चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देगा। 300 बेडेड कोविड, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा जनपद में बनना, ये
जिस पर भी चर्चा का ही एक परिणाम है कि हम लोगों ने गरीबों के बारे में, हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके इसके बारे में जो चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं को हम लोगों ने व्यावहारिक धरातल पर उतार करके जनता को बेहतर परिणाम देने का जो निश्चय किया था, जो संकल्प विधानसभा में लिया था, गांधी जी की जयंती के अवसर पर, 150वीं जयंती के अवसर पर लिया था, आज उसका मूर्त रूप प्रदेश के अंदर कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन की कार्रवाई में दिए गए परिणाम और कोविड 19 के दौरान भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए कार्य, लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य, देश के अंदर डेथ रेट में सबसे कम डेथ रेट होना, पॉजिटिविटी रेट में सबसे कम होना, सबसे अधिक टेस्ट कराना, ये सब उसके परिणाम स्वरूप हम सबके सामने आ रहे हैं। मेरा आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहाँ के सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम को अपना एक अपने मिशन का हिस्सा बनाया है, उस मिशन का परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रही है। और ये चीजें हमारी मिशन, ये कोविड 19 की लड़ाई हमें इस बात को भी साबित करती है कि जज्बा महत्वपूर्ण होता है। अगर हौसले आपके मजबूत हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को पूरी मजबूती के साथ परास्त कर सकते हैं। और कम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इस कमिश्नरी ने रिजल्ट बेहतर देने का प्रयास किया है। और जब ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा में बनेगा, मेरा अनुमान है अभी यहाँ पे केवल 17 बेड यहाँ पे वेंटिलेटर के यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग शीघ्र ही यहाँ पर HFNC और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़वाएंगे जिससे क्षमता और तेजी के साथ लोगों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसका बड़ा रोल है। दूसरा, व्यापक जागरूकता, जागरूकता इस बात का कि डोर टू डोर सर्वे, जो भी सस्पेक्टेड केस हैं, जितने भी सस्पेक्टेड केस आएंगे, बुजुर्ग हैं, पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर इम्यूनिटी के हैं, बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें से जो भी हमें सस्पेक्टेड लगे इनकी तत्काल जांच कराना, और जांच कराने के बाद इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी 24 घंटे के अंदर करके जो भी कोविड पॉजिटिव आए उन्हें अगले 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देना। अगर होम आइसोलेशन में हमें भेजना है तो पहले इस बात को देख लेना कि होम आइसोलेशन में भेजने के लिए क्या उनके पास सेपरेट रूम और सेपरेट टॉयलेट है या नहीं है। अगर है तो उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी उनको क्रय करने के लिए तैयार करना, और फिर उनको एक किट उपलब्ध करा करके उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भले ही हम अनुमति दें, लेकिन शेष पेशेंट को हम जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकेंगे उतनी जल्दी हम उसके जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे, डेथ रेट हमारा उतना ही न्यूनतम स्तर पर जाएगा। सर्विलांस की बहुत बड़ी भूमिका इस प्रकार की किसी भी इस प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है, और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है, लेट ना करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर हो गया होगा या सर्दी जुकाम को सामान्य बुखार के रूप में लेकर के हम लोग स्वयं भी दिक्कत पैदा हो जाती है, इसलिए कभी भी लापरवाही इसमें नहीं करेंगे और तो अन्य लोग भी बचेंगे, हमारी स्वयं की जान भी बचेगी, और इस दिशा में हम लोग पूरी सतर्कता के साथ इस कार्य को हम लोग पूरी तत्परता के साथ करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ के जनता जनार्दन को 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल मिलने पर, क्योंकि देवीपाटन कमिश्नरी है, माँ पाटेश्वरी के नाम पर बना हुआ ये कमिश्नरी, और आज उनके कमिश्नरी मुख्यालय पर 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल यहाँ की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, यहाँ की जनता का अभिनंदन करता हूँ। मैं टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात पर हृदय से
धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी जिस जज्बे के साथ लड़ने के संकल्प के साथ वे कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही हम लोग सफल होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत COVID-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीत करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती के साथ सुदृढ़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो गोंडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। आपको बता दें कि गोंडा में 300 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जिसका आज लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस दौरान मुख्यमंत्री को आपने सुना, उनके द्वारा COVID-19 को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की गई, कैसे COVID-19 से उत्तर प्रदेश की सरकार लड़ी और अब हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे है, इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब शुरुआत में ये लड़ाई शुरू हुई COVID-19 के खिलाफ, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और आज किस तरीके से डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके माध्यम से भी और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड से लड़ाई लगातार जारी है और कोविड को मात देने के लिए हर तरह से प्रदेश सरकार तैयार है। और उसी कड़ी में 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो कि देवीपाटन मंडल में, आज गोंडा मुख्यालय है देवीपाटन मंडल का, वहां पर आज इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और 300 बेड का ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जाहिर बात है COVID-19 के पेशेंट्स को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि 300 बेड का ये जो हॉस्पिटल बना है उससे और सहूलियत होगी कोविड पेशेंट्स को एडमिट करने में, उनके ट्रेसिंग में और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भी एक बड़ा कदम। और इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को आप सुनता है, खासतौर से देवीपाटन मंडल के अंतर्गत 3 जनपद हैं, उन जनपदों के अंदर भी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से वहां पर इन सभी जगहों पर मेडिकल कॉलेज को खोलने का भी जो प्रयास है सरकार के द्वारा चल रहा है, इसमें बहराइच में मेडिकल कॉलेज जो कि पिछले ही साल शुरू हो चुका उसका भी मुख्यमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया। फिर उन्होंने बलरामपुर का भी जिक्र करते हुए बताया कि वहाँ पर भी KGMU की एक सेंटर या उसकी एक शाखा, उसको खोलने का भी जो काम है वो शुरू हुआ है और गोंडा के अंदर भी मेडिकल कॉलेज की नींव है वो रखी जा रही है। तो इन बातों को कहते हुए आज 300 बेड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, मैं हूँ आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में छात्रा की दुराचार के बाद हत्या की घटना में अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर अपराधियों को यथाशीघ्र सजा दिलवाने के निर्देश दिए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। खाद्यान्न वितरण घोटाले में 2 अधिकारी सस्पेंड। कानपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त खाद्य और जिला पूर्ति अधिकारी नपे। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों को खाली करवा रही पुलिस। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और JCP तैनात। गेट का ताला तोड़कर गिरवाया जा रहा अवैध निर्माण। बाहुबली अतीक अहमद पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज में 25 करोड़ की 5 संपत्तियां कुर्क की गई। DM के आदेश के बाद एक्शन किया गया। BJP ने उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। सैयद जफर इस्लाम BJP के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE और NEET में यदि और ज्यादा देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा।
कोविड 19 के मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नीट यही परीक्षा करवाने के फैसले का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। 28 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नीट जेई परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, इस परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, नीट जेई परीक्षाएं रोकने के लिए सोचें सरकार, एक बार माता पिता के दिल से सोचें सरकार, शहरी और अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने में समर्थ, पैसों वालों की बीजेपी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में लिखा खुला पत्र, अगर बीजेपी ऐसा जानलेवा एग्जाम करवा रही है तो केंद्र के बाहर अपने मंत्री सांसद विधायक तैनात करें। उत्तर प्रदेश में पुलिस में फिर से हुए ट्रांसफर, सचिव गृह विभाग एसके भगत हटाए गए, एसके भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया, तरुण गाबा अब नए सचिव होंगे गृह विभाग के, आईजी विजिलेंस थे पहले तरुण गाबा। प्रयागराज एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, 35 पुलिस कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर, कर्मचारियों ने नैतिक कर्तव्य न करने का पाया गया था दोषी, आम नागरिक की शिकायत पर नहीं निभा पाए कर्तव्य। कानपुर में बाबू परवा के ईदगाह में भीड़, पुलिस ने लोगों को खदेड़कर मैदान खाली करवाया, गाइडलाइन के साथ त्यौहार मनाने की अपील। कानपुर में आईजी जॉन मोहित अग्रवाल की ओर से गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के जुलूस को दफन को लेकर के अधिकारियों के साथ पैदल गश्त की, लोगों को लॉकडाउन के चलते कोरोना की गाइडलाइन को मानने की सलाह भी दी। आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार का बुलंदशहर का दौरा, आईजी ने फैमिली क्वार्टर का किया सर्वे, एसएसपी को जल्द सुधार के दिए निर्देश, पुराने लंबित मुकदमों का जल्द हो निस्तारण, कानून व्यवस्था को सख्त करने की हिदायत दी। लखनऊ में सनकी महिला ने दो कुत्तों के बच्चों को पैर के नीचे कुचल करके मार डाला, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज किया है। सीतापुर के महमूदाबाद नगरपालिका परिषद में मासिक बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई, इस दौरान सभासदों के प्रस्ताव पर पालिका के सभी बड़े वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही सरावगी टोला स्थित बालाजी मंदिर में इंटरलॉकिंग लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बदायूं के उसेद कस्बे के शराब की दुकान के पास अचानक से कार में आग लग गई, गैस रिफिलिंग के दौरान यह आग लगी, आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लोगों ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। बस्ती में पिछले 10 दिनों से खाद की किल्लत से परेशान किसान, खाद आने के बाद किसानों से कई जगह पर ओवर रेट लिया जा रहा है, 10 दिन बाद खाद आने के बाद किसानों को जैसे तैसे खाद मिलनी शुरू हुई है। गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ, ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुआ कैंटर, कैंटर ने बाइक स्कूटी और गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग मामूली रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की ओर से घेराव करके हल्ला बोला गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया। लोगों की मांग है कि 3 महीने तक कामकाज ठप रहा तो आखिरकार ये बड़े स्कूल अब बच्चों की फीस मांग रहे हैं, वहीं अब मजबूर पेरेंट्स फीस कहां से दें, इसके लिए एकजुट होकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ जेल में बंदी ने लगाई फांसी, कारागार के सर्किल 1 में बंद था कैदी, 2 दिन पहले बैरक बदलने के दौरान हुई थी मारपीट, हत्या के आरोप में जेल में बंद था बंदी। उधर वाराणसी में हादसे का शिकार हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, वाराणसी से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा, जौनपुर के बदलापुर के पास सड़क हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत, भिसाना शुगर मिल बुढ़ाना के सामने हुआ हादसा, बिजनौर में तैनात थे मृतक सिपाही रोहित राणा। आजमगढ़ के सिदारी थाना इलाके के गांव में प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर जाना उस वक्त महंगा पड़ गया,
जब वो गांव में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा ही रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों और परिजनों ने प्रेमी को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय के पास अभिभावकों ने थाली बजाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार स्कूल फीस को माफ करें। इस मांग को अभिभावक लंबे समय से उठा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई है तो आगामी 2 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि जब स्कूल में क्लास नहीं चल रही तो बच्चों की स्कूल फीस भी उसी हिसाब से तय की जानी चाहिए, जबकि स्कूल फीस पूरी मांग है। औरैया के एरवा कटरा थाने इलाके के अनुरुद्धपुर क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया। बदमाश सिपाही को गोली मारकर फरार हो गए। सिपाही को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा में भर्ती करवाया गया। महोबा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अज्ञात बुजुर्ग साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। कानपुर में पुलिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही। 3 लड़कियां, 5 लड़के, 3 लग्जरी कारें भी यहां से बरामद की गई। शिवालिक अपार्टमेंट रतनपुर से हुई गिरफ्तारी। मेरठ के मेडिकल थाने इलाके के जागृति विहार में पत्रकार नवीन सिंह पर हमला। हमलावरों ने घर में घुसकर किया हमला। हमले में पत्रकार और बड़ा भाई घायल। दबंग रविराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में मुजफ्फरनगर के विक्की त्यागी गैंग का नाम सामने आया। शुरुआती जांच के मुताबिक पता चला कि अक्षय की हत्या बदला लेने के लिए की गई। आगरा के थाना अचनेरा के अरुआ खास गांव में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थर्ड थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 12 साल की मासूम बच्ची को एक हैवान ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसको जबरन उठाकर खाली प्लॉट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बेसुध अवस्था में देखकर इसकी सूचना परिवार वालों को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में गौशाला रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के गृह क्लेश के चलते अपने ही बेटे को गोली मारकर गंभीर रूप से उसने घायल कर दिया, फिर खुद को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन गोली लगने से मौके पर ही रिटायर्ड दरोगा की मौत हो गई। गोंडा के थाना कोतवाली देहात के लोहिया घाटा गांव में लोग तालिबानी इंसाफ करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूदा, लेकिन ग्रामीणों ने वहां भी उसे नहीं छोड़ा। भीड़ द्वारा पिटाई से व्यक्ति की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बदायूं के सदर कोतवाली में चोरी का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक चोर दुकानदार के बाहर खड़ी बाइक चोरी की गई। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना इलाके के पास तालाब के किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आगरा के थाना इरादत नगर के थाप मदवारी गांव में हवा में हथियार लहराते हुए दबंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि विवाद के बाद तमंचा लेकर के दबंग यहां पर पहुंचा था और हवा में वीडियो लहराते
हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। अमेठी में बीजेपी नेता का कोरोना से निधन। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप्स शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number one ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 125,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50,00,000 से अधिक लोगों को सूक्ष्म लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है, तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल ले। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयाँ क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadley.com, alcoplus@picadley.com। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोंडा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। <ण्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 
यूपी पुलिस का बाहुबलियों पर सुपर एक्शन, लखनऊ में मुख्तार का किला ढाया, प्रयागराज में अतीक अहमद की 7 संपत्तियों की कुर्की। नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, राजभवन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। लखनऊ में सनकी महिला ने 2 कुत्ते के बच्चों को पैर से कुचलकर मार डाला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, खुद को बचाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग, भीड़ के हमले में 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। मेरठ मेडिकल कॉलेज में छात्रा का हाई प्रोफाइल ड्रामा, साथी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी छात्रा, सेल्फी लेने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी छात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये बेहद अहम जानकारी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपनी जांच करवाई, ये बात सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कही गई और ये जानकारी खुद उनकी तरफ से दी गई, और जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया है, बड़ी जानकारी है। योगी सरकार में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कई मंत्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है, और अब कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, और इसकी जानकारी ट्वीट करके सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती लक्षण देखने पर यह जांच मैंने कराई और जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है, ये बात सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कही गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और आपको अगर ध्यान हो तो 2 मंत्री कैबिनेट स्तर के जिनकी जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है, और एक और मंत्री अब सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ट्वीट करके ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लगातार कोरोना का तो जांच में कोरोना की पुष्टि हुई, सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से यह बात कही गई। और अब आपको सीधे एक बार फिर से लेकर चलेंगे गोंडा, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा कोविड 19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 300 बेड का यह डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन आज देवीपाटन मंडल के मुख्यालय गोंडा के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब से कुछ देर पहले आपने देखा उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा अपने संबोधन में भी इन बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से ये 300 बेड का जो डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल है, ये लोगों के लिए किस कदर फायदेमंद साबित होगा, खासतौर से देवीपाटन मंडल और इस सब पूरे मंडल के अंदर जिस तरीके से कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उसमें ये एक और व्यवस्था मिलने से जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो वहाँ पर स्थानीय लोगों को मिलेगा। और अब उसी हॉस्पिटल का खुद निरीक्षण करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री और इन व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि 300 बेड का ये हॉस्पिटल है, और जाहिर बात है कि इसका जो फायदा है वो इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल ये बनकर तैयार हो चुका है। और जो जानकारी सामने आई है कि 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो एडमिशन्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, पेशेंट को एडमिट करने की प्रक्रिया भी 2-3 दिन के बाद इस हॉस्पिटल में शुरू हो जाएगी। इन 300 बेड के हॉस्पिटल में 17 बेड ऐसे हैं जिन पर ऑक्सीजन की भी जो व्यवस्था है वो की गई है, इसके अलावा साथ ही साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था 17 बेड पर है, और सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के ये एक बेहतर कदम मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि इसका जो फायदा है वो जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको मिलेगा। और इसके अलावा पूरे देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर भी कई जगहों पर इस तरीके के प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे उसमें मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो। बलरामपुर के अंदर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि KGMU की एक जो शाखा है वो खोली जाएगी वहाँ पर, और वो भी काम करने लगेगी, तो उसका भी फायदा बलरामपुर और उसके आसपास के इलाकों को होगा। बहराइच के अंदर पिछले ही सत्र में आपको बता दें कि एक मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया था, और वो विधिवत रूप से उसमें जो इलाज है वो शुरू हो चुका है और उसको और बेहतर बनाया जा रहा है,
और अब गोंडा के अंदर भी 300 बेड का ये कोविड 19 का डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इसका भी उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और ये भी वर्किंग हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। और इसके बाद गोंडा के ही अंदर मेडिकल कॉलेज के भी निर्माण की बात मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई है और इसको लेकर के भी जो काम है वो तेजी से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के सब पूरे मंडल के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आज सारी जानकारी देते हुए इस 300 बेड के कोविड 19 हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। जनता की सेवा के लिए 1 से 2 दिन में इसकी शुरुआत हो जाएगी और सीएम अब इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक एक करके सभी फ्लोर पर जाते हुए मुख्यमंत्री और जायजा लेते हुए स्टाफ के साथ बात करते हुए व्यवस्थाएं क्या हैं उसका उसकी जानकारी लेते हुए, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में 300 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया कोविड 19 को लेकर के, डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स का ही इलाज फिलहाल होगा। और ऐसे में जाहिर बात है कि बढ़ते आंकड़ों के बीच में इस तरीके की जो कवायद है और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्षेत्रवासियों को निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो देंगी, क्योंकि 300 बेड का हॉस्पिटल कोरोना के आंकड़ों के बीच में ये एक बेहतर कदम जरूर साबित होगा, क्योंकि लोगों की टेस्टिंग की क्षमता जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है और उसी तेजी से जो पेशेंट हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है तमाम पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है और उन व्यवस्थाओं को और बेहतर कैसे किया जाए उसी कड़ी में आज ये 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अब उनका निरीक्षण देखिए, एक एक वार्ड में जाकर के एक एक बेड का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री उनके साथ मौजूद हैं। कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री के द्वारा जो जायजा है वो लिया जा रहा है और व्यवस्थाओं को बारीकी से देखते हुए उनका निरीक्षण करते हुए स्टाफ के साथ भी बातचीत करते हुए डॉक्टरों के साथ भी बात करते हुए और कैसे इसको और बेहतर बनाया जाएगा, यहाँ पर अभी मौजूदा समय में क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो मरीजों को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें बारीकी के साथ जानते हुए और मुख्यमंत्री का ये दौरा है, जो निरीक्षण है, उसकी तस्वीरें गोंडा से सीधे हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जहाँ पर कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं और अस्पताल का निरीक्षण करते हुए बीच बीच में देखिए स्टाफ के साथ भी बातचीत, चाहे नर्स के साथ बात, तभी आपने देखा थोड़ी देर पहले बात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, डॉक्टर के साथ भी बातचीत की मुख्यमंत्री ने, उनसे भी ये जाना कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से मरीजों को इसका लाभ पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा उनके साथ चूँकि खुद समाज कल्याण मंत्री मौजूद हैं रमापति शास्त्री, तो उनके साथ भी बीच बीच में बातचीत करते हुए और एक बेहतर व्यवस्था कैसे यहाँ पर बनाई जाए इन सब चीज़ों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीरें गोंडा से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, कोविड अस्पताल का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और लोकार्पण के समय मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय मार्च में लॉकडाउन हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी, टेस्टिंग की एक भी लैब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। पहला जो सैंपल भेजा गया था वो राजधानी दिल्ली सफदरजंग भेजा गया था और उसके बाद पहली लैब जो स्थापित की गई KGMU में उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर एक दिन में मात्र 62 लोगों की जो टेस्ट है वही हो सका था। अब चूंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश देश के अंदर है, कई देशों से भी ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती थी और उससे निपटते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक संख्या में जो जाँच हैं वो हो रही हैं और ये पूरे देश के अंदर नंबर वन पर है। 1 लाख से भी ज़्यादा जो जांच हैं वो प्रतिदिन हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। सभी जिला मुख्यालयों पर जो जांच की सुविधा है वो उपलब्ध करवा दी गई है, ट्रूनेट मशीन के द्वारा भी जांच हो रही है। तो एक तरफ तो जांच की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी ओर जो लोग संक्रमित निकल रहे हैं उनको इलाज अस्पताल में बेहतर मिल सके उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। अब से आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ही नोएडा के अंदर भी इसी तरीके से एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और अब देवीपाटन मंडल के मुख्यालय गोंडा के अंदर भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 300 बेड का जिसका उद्घाटन किया गया, इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड उसका उद्घाटन और अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोविड हॉस्पिटल जो कि डेडिकेटेड है 300 बेड का उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, यानी कि दोनों ही क्षेत्रों में किसी तरीके की दिक्कत मरीजों को ना हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ जितनी हो सकती हैं उपलब्ध हों और उसी का निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए बातचीत करते हुए डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा कि गए थे निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और अपने संबोधन में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं के साथ किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रख रही है, कैसे
कोविड महामारी से लड़ते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। सारी बातें मुख्यमंत्री के द्वारा अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने संबोधन में भी कहीं, जो आपने सुना था। और गोंडा के दौरे पर आज चूंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और खासतौर से स्वास्थ्य सेवाएं इस इलाके में, और देवीपाटन मंडल का जब इससे पहले जिक्र होता था तो वहां पर ये व्यवस्थाएं उतनी सुनिश्चित नहीं थी, उतनी मुकम्मल नहीं थी। लेकिन अब चूंकि 300 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल जो कि डेडिकेटेड, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ये जाहिर तौर पर कोरोना की लड़ाई में एक अहम योगदान देगा। साथ ही साथ चाहे देवीपाटन मंडल के अंदर आने वाले तीनों जिलों की बात की जाए, उन सभी जगहों पर भी अब अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास सरकार की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज, इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया गया, और इस दौरान स्थानीय विधायकों का भी जो धन्यवाद है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। और चलिए चार के चक्रव्यूह की आज शुरुआत करेंगे। चार के चक्रव्यूह में आज उन बड़े मुद्दों को एक बार फिर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कि सीधे आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि माफिया अतीक अहमद और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर वहीं लखनऊ से ही विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कुत्तों के बच्चों को मारने वाली महिला के खिलाफ हुई कार्रवाई पर जानकारी देंगे। इसके साथ ही लखनऊ से ही हमारे साथ खुर्रम निजामी भी जुड़ेंगे, जो कि जेई और नीट की परीक्षाओं को लेकर शुरू हुई सियासत में सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर के जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज पहली खबर जिस पर माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, और एक बार फिर से ये और सख्त होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी के लखनऊ के डालीगंज में बने अवैध दो टावर्स को गिराया गया, ये टावर उस जमीन पर बने थे जिस पर मुख्तार अंसारी ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई के बाद मानो हड़कंप सा मचा है। लेकिन इस बीच प्रयागराज में भी सरकारी डंडा चलता है, और निशाने पर हिस्ट्री शूटर अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां आ जाती हैं। अब अतीक के अपराध से अर्जित की गई 20 संपत्तियों को यहां पर चिन्हित किया जाता है, इनमें से 7 संपत्ति को सीज करके उनके जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। तो सबसे पहले सिविल लाइन्स के अली टावर पर यह कार्रवाई होती है, इसमें सभी दुकानदारों को बंद करवा करके जब्तीकरण का नोटिस चस्पा होता है, और इसी तरह से अतीक के चकिया स्थित आवास के कुछ हिस्से और कसारी मसारी के प्लॉट के अलावा कार्यालय पर भी नोटिस चस्पा करके उसको सीज किया गया है। तो पुलिस ने 13 और संपत्तियों का विवरण अब जिलाधिकारी प्रयागराज को भेजा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन सभी बाकी संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई होगी। अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का यह कहना है कि योगी सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार और भू माफिया के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, और कानून अपना काम कर रहा है, और इसलिए ही इन माफियाओं पर जो कार्रवाई है वो प्रदेश सरकार कर रही है। तो चाहे मुख्तार अंसारी का किला जमींदोज हो, या फिर जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ भी जो कार्रवाई है, उनके भी जो तमाम संपत्तियां, उनकी कुर्की की कार्रवाई या उनकी जो जब्ती की कार्रवाई हो, ये सभी कार्रवाई इस ओर इशारा कर रही है कि जो सरकार है वो एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और ये जब्ती की कार्रवाई करते हुए, कुर्की की कार्रवाई करते हुए ये मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश, जिसका जिक्र सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस वक्त क्योंकि मुख्यमंत्री भी सख्त हैं और वो इस बात को बार बार कह रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो माफिया हैं उनके संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई ऐसी ही जारी रहेगी। तो बाहुबलियों पर एक्शन हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, चाहे अतीक अहमद की हम लोग बात करें या मुख्तार अंसारी की, इन दोनों की ही संपत्तियों पर देखिए पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की है। लखनऊ के अंदर मुख्तार अंसारी के इन तमाम जो किले हैं उनको ढा दिया गया है, या जो अवैध संपत्तियां उनको ढाया गया, उसकी कार्रवाई को आप देख लें, या फिर प्रयागराज का आप जिक्र करें, यहाँ पर भी अतीक अहमद की तमाम जो संपत्तियाँ हैं उनकी जब्ती की और उनको ढहाने की, उनकी कुर्की की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की गई है। तो 2-3 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं।
और चलिए बातचीत करते हैं ग्राउंड जीरो से। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो आगे की और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रवि सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये बाहुबली है, जो माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है, किस तरीके से कार्रवाई की गई है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए लखनऊ की बात करें तो हजरगंज इलाका है, डालीबाग इलाके में ये निष्कांत संपत्ति थी जो कि सरकार ने आज खाली करा ली। बताया जा रहा राधिया जो कि मुख्तार अंसारी की जो माँ थी वो फर्जी तरीके से बैनामा कराकर उनके नाम ही जमीन कराई गई थी। उसके बाद अभी ये उनके मुख्तार अंसारी जो बेटे हैं उनके नाम से ये दोनों संपत्ति थी, जमीनें थी, वो उस पर टावर खड़ा किया गया था जिसको लेकर LDA कई बार नोटिस भेज चुका था लेकिन इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आज सुबह LDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों ही टावरों को वहाँ धराशायी किया गया है। ये माना जा रहा है जिस तरीके से गलत तरीके से जो संपत्ति हासिल की उसको लेकर लगातार सरकार अब कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे और बाहुबली है जिस तरीके से जो शिकायतें मिलती रही जमीन पर कब्जे की या अवैध रूप से संपत्ति हड़पने की, तो कुल मिला के उन पर कार्रवाई के चलते ही ये कार्रवाई की गई और लगातार ये कार्रवाई भी होती हुई नजर भी आ रही है। बिल्कुल रवि, लेकिन ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे संपत्तियां हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को करते हुए और क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? क्योंकि मंत्री की तरफ से तो कह दिया गया कि भाई ये देखिए हम लोग सख्ती बरत रहे हैं और इस तरीके की गतिविधियां कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन कौन कौन सी वो संपत्तियां थी जिनकी कार्रवाई की गई, आगे और क्या निशाने पर है प्रशासन के जिस पर कार्रवाई हो सकती है, क्या संभव है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस कार्रवाई को करते हुए, इसको भी अपडेट करें। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बाहुबली हैं जिनसे जुड़े हुए तमाम सारे लोगों को जलाबदर करने की कार्रवाई वो की जा रही है। उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो अवैध संपत्तियां हैं उनको तलाशा जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो बाहुबली हैं उनकी खुद की अर्जित की हुई जो गैर तरीके से जो अर्जित की हुई जमीन है, संपत्तियां हैं, उनको ढूंढा जा रहा, तलाशा जा रहा है और उनको सरकार छुड़ाने की कोशिश कर रही, जब्त करने का काम वो किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो लगातार 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार को काम करते हुए और लगातार माफियाओं के खिलाफ सरकार जिस तरीके से काम करे उसी के चलते अगर बात करें तो बाहुबली की बात करें, अगर मुख्तार अंसारी की, आतिक अहमद की, तो उनको लेकर ही ये कार्रवाई हो रही है, उसी के चलते आज की ये कार्रवाई वो भी देखने को मिली है। रवि ये बताएं कि आज मुख्तार अंसारी के जिस किले की हम लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं या फिर जिस मकान की हम लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं इसको जमींदोज किया जा रहा है, क्या सिर्फ ये कार्रवाई यहीं तक सीमित थी या कुछ और भी संपत्तियां ऐसी हैं जो कि निशाने पर हैं और इस पर भी जब्ती या कुर्की की कार्रवाई हम लोग को आगे देखने को मिल सकती है? और आज भी जो कार्रवाई हुई है वो लगभग कितने ठिकानों पर की गई है और कब से ये जो तमाम संपत्तियां हैं ये यहाँ पर अर्जित करके बनाई गई थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए मामला बहुत पुराना है, ये गाटा संख्या 93 है जो निष्कांत संपत्ति सरकार जो ने मुक्त कराई है। ये बताया जा रहा है कि करीब 1954 के बाद से ये जो संपत्ति थी वो केयर टेकर के पास में थी जो कि अगर बात करें तो फजल फातिमा के केयर टेकर थे, उनके पास जमीन थी, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए जिसके बाद से ये जमीन थी वो मुख्तार अंसारी की माँ के नाम चढ़ा दी गई थी जो कि बताया जा रहा फर्जी तरीके से बैनामा उनके नाम से कराया गया था। उसके बाद अभी जो ये संपत्ति है वो मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम से कराई गई थी। जाँच के बाद जब चीज़ें साफ हुई उसके बाद ये जो उस पर 2 टावर खड़े किए गए थे उसको लेकर लिए लगातार उनको नोटिस भेज रहा था, उनसे जानकारी पा रहा था लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके बाद से LDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है और दोनों ही टावरों को जमींदोज किया गया है। अभी अभी माना जा रहा है कि जिस समय ये टावर खड़े किए गए थे जो भी निर्माण कार्य हुआ था उस समय जो भी अधिकारी तैनात थे जिनकी देखरेख में सारा काम हुआ है उनकी जिम्मेदारी थी इसको रोकने के लिए, उसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, तो यह भी माना जा रहा है कि उन पर भी उनकी भी लापरवाही को देखा जाएगा और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी यह जरूर है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और माना जा रहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होती हुई नजर भी आएगी। चलिए रवि फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए उपचार के चक्र में बढ़ते हैं आगे, दूसरी खबर की बात करेंगे। लखनऊ में एक सनकी महिला के करतूत देखने को मिली है, इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जहां पूजा ढिल्लन नाम की एक सनकी महिला ने 2 कुत्तों के बच्चों को पैर से कुचल कर मार डाला है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, इसके बाद पुलिस ने इस पर केस भी दर्ज किया है। जांच में यह भी पता चला है कि पूजा ढिल्लन लखनऊ के विभूति खंड के ओमेक्स हाइट्स में रहती हैं। इस मामले में पेटा इंडिया भी अब सक्रिय हो गया है और सनकी महिला पूजा ढिल्लन के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस महिला के खिलाफ लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है और सनकी महिला की ये जो हैवानियत भरी करतूत है वायरल होने के बाद अब इसमें कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि पूजा ढिल्लन इस महिला का नाम बताया जा रहा है जिसने कुत्ते के बच्चों को कुचल कर मारा है। लखनऊ में कार के अंदर ही कुचल करके कुत्ते के बच्चों को ये मारा गया। विभूति खंड के ओमेक्स हाइट्स में ये महिला रहती है, सनकी महिला पूजा ढिल्लन, और इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं
और इसमें अब पेटा इंडिया इस मामले पर संज्ञान ले चुका है। स्थानीय टीम से कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया है और सन की महिला के करतूत के बाद लोगों के अंदर भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हैशटैग पूजा ढिल्लन अरेस्ट ये ट्रेंड कर रहा है और सन की महिला ने अलग अलग दिन ये वीडियो बनाए हैं, यानी कि इसमें दो कुत्ते के बच्चे हैं जिनको इस तरीके से पैर से कुचल करके पूजा ढिल्लन के द्वारा मार दिया गया है। और अब इस पर बातचीत करेंगे, विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि जो वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाला है, और दूसरा ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में अपडेट क्या है और कार्रवाई क्या हो रही है। बिल्कुल, अगर इस पूरे वीडियो की हम बात करें तो ये महिला गोमती नगर हाइट्स विभूति खंड में रहती है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है कि दो दिन अलग अलग, क्योंकि आप देखिए दोनों ही वीडियो में उसने सैंडल अलग अलग पहने हुए हैं, जिससे ये जानकारी आ रही है कि दो अलग अलग कुत्ते के बच्चों के साथ में इसने घटना की है। हालांकि मुंशी पुलिया का भी जिक्र हो रहा है, एक बार जो साथ में व्यक्ति बैठा हुआ पूजा नाम भी ले रहा है, लाल कलर की ड्रेस भी देखिए पूरे वीडियो में शो कर रही है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, क्योंकि इसके पैर में जो एक टैटू है उसको भी फोटो से मिलाया गया, बहुत सारी चीजें एक साथ की गई जिसके बाद ये बात क्लियर हो सकी कि इसने ये जो पूरा कारनामा है वो पूजा ढिल्लन ने किया है। हालांकि ये वीडियो जो है सिर्फ ये दो लोग ही कार में थे जिससे बनाया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी तरह ये वीडियो जो है वो ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद ये हर जगह वायरल हुआ है। वायरल होने के साथ ही लोगों में बड़ा ही आक्रोश बढ़ा है। आक्रोश की स्थिति ये रही कि खुद जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पशुओं के लिए काम करते हैं उन्होंने FIR भी दर्ज कराई गोमती नगर विभूति खंड थाने में। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा आश्चर्यजनक ये रहा कि पुलिस के जरिए से अभी भी इस पूरे मामले में एक कदम भी आगे नहीं चला गया। बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि कानून व्यवस्था और तमाम तरह की चीजों की बात करती है, लेकिन यहां पे पूरा होमवर्क करके पुलिस को दे दिया गया। ये कहा जा रहा है कि पुलिस को इसमें हर चीज बता दी गई, वो महिला कहां पर रहती है, वो महिला इस समय कहां पर है, फ्लैट नंबर क्या है, पूरा पता क्या है, घटना क्या है, पूरी सारी चीजें पुलिस को बता दी गई, लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, वो भी राजधानी लखनऊ में। अगर किसी ग्रामीण इलाके की बात कही गई होती या कोई ऐसा इलाका होता था तब तो आश्चर्यजनक था ही, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी एक कदम पुलिस का ना बढ़ना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर के अभी भी जनता में भले ही आक्रोश हो लेकिन कानून के कानों तक आवाज अभी भी नहीं पहुंची है। हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है, FIR दर्ज करने की कॉपी भी जो सब बिल्कुल नहीं, लेकिन विजय ये बताएं कि जब FIR दर्ज हो गई, सारा होमवर्क आप बता रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, महिला भी हम लोग देख पा रहे हैं, उसका नाम अता पता एड्रेस लोकेशन सब समझ में आ रहा है। तो FIR दर्ज होने के बाद एक तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही, पहला सवाल यह है, क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, दूसरा ये कि क्या ये सन की महिला ने सनक के चढ़ते ये पूरा ये जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया या इसके पीछे कुछ और भी वजह है और क्या खुल करके सामने आ रहा, थोड़ा सा इसको भी बताएं विजय। देखिए मैं यहाँ से आपको बता दूं कि गोमती नगर हाइट्स टावर नंबर 5 सेकंड फ्लोर पे इस महिला का जो है फ्लैट है, मैं वहां तक गया था और इस महिला से बातचीत करने की कोशिश की। हमने कहा आप अपना पक्ष रखिए क्योंकि आपने एक वीडियो पोस्ट किया है बाद में कि आप पशु प्रेमी हैं, लेकिन जो वीडियो आपने बाद में पोस्ट किया है उसमें भी जिस आपने डॉग्स के बच्चे को अपने हाथ में रखा है उसको आप जब उठा रहे हैं तो गिर जा रहा है, यानी कि मतलब जिस समय आपने उस डॉग्स के बच्चे को हाथ में लेकर के उस वीडियो को पोस्ट किया उस समय भी वो नशे में था, और आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते आप रखिए। तो ये दरवाजे के को पूरा बगैर खोले इन्होंने साफ कह दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, यानी मीडिया उस महिला के घर तक पहुंच गई लेकिन पुलिस अभी उस महिला के घर तक नहीं पहुंच सकी। बड़ा ही आश्चर्यजनक है पुलिस के इस रवैये को लेकर के। चारू निगम है यहाँ पे, SP पूर्वी है, जिनसे इस विषय में बातचीत की गई, वो कह रही है अभी इस पूरे मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अरे जांच आप तब करेंगी जब आप उस तक पहुंचेंगी, उससे बातचीत करेंगी। ऐसे कौन से लोग हैं जो इतनी क्रूरता दिखाने के बावजूद भी आपका दिल जो है अभी तक नहीं कर रहा है कि ऐसे साइको आदमी को गिरफ्तार किया जाए। जाहिर सी बात है कि मानसिक रूप से विकृति के बीमार महिला है, इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन पुलिस का रवैया सबसे आश्चर्यजनक है। इस महिला को लेकर के तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन राजधानी की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने ऐसे ही ऐतिहासिक कारनामों के लिए जानी जाती है। जब कभी भी जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे इसके पहले आप देख लीजिए बलिया में घटना हुई हो, वहां के पत्रकार ने पहले उसके भाई की जब हत्या हुई थी बाकायदा उसने पिस्टल के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, पुलिस को बताया था कि उसे जान का
खतरा है, लेकिन डीएम साहब ने उसे लाइसेंस नहीं दिया। पुलिस ने वहां तक कार्रवाई नहीं की और उस पत्रकार की हत्या हो गई। और इसके पहले जितनी भी घटनाएं हुई है, बड़ी घटना है, उसमें पुलिस को पहले से संज्ञान रहता है, लेकिन घटना होने के बाद जब मीडिया खूब सारे विजुअल्स के साथ, खूब सारी बाइट के साथ जब चलाती है, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जो वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं, वो बहुत परेशान करने वाला है। तो जाहिर बात है लोगों को भी परेशान कर रहा होगा। क्या पुलिस इंतजार कर रही कि लोग अब इसको लेकर के भी आक्रोशित हो जाएं, कहीं विरोध करना शुरू कर दें, तब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी? और दूसरा ये भी बताएं, क्योंकि पेटा जो कि जो संस्था है जो कि काम करती है इन जानवरों के लिए, उसकी तरफ से भी कहा गया है कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ये सारी बातें प्रशासन के संज्ञान में नहीं पहुंच रही, या है भी तो वो अभी इंतजार इस बात का कर रहा है कि मामला थोड़ा सा और ज्यादा बढ़े या लोग फिर ज्यादा आक्रोशित हो तब हम कार्रवाई करें? क्या इसको ऐसे समझ लें? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इंतजार पुलिस कर रही है, गोमती नगर की पुलिस कर रही है, क्योंकि सबको पता है इस महिला कहां पर रह रही है। हो सकता है लोग आक्रोश में आकर के वहां पर कुछ पहुंचे, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशली लखनऊ पुलिस पर होगी, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी पुलिस का उन तक ना पहुंचना, उनसे ना बातचीत करना, उनके साथ इस पूरे मसले पर अपनी प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाना, बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस को रोक कौन रहा है? ऐसे कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले में अभी भी इंटरफेयर कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, और जो बीच बचाव कर रहे हैं, मैं उन लोगों से सीधे कहना चाहूंगा कि ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को तो ना बचाइए, क्योंकि ये आज पशु के साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आप देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई पुलिस क्यों करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब चार के चक्र में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीट और जेई की परीक्षा को लेकर के सरकार ने हरी झंडी क्या दिखाई है, इसके बाद अब तो इस मामले पर सियासत भी गरमा रही है। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं, और अब इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि सरकार एक बार माता पिता के दिल के बारे में सोचे। इसके साथ ही अखिलेश यादव और ज्यादा हमलावर हो गए, और उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ ये षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, और इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी हैं। तो कुल मिलाकर के नीट और जेई की परीक्षा इस वक्त अब सियासत के केंद्र में उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने इस परीक्षा को करवाने की हरी झंडी दी, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होना शुरू होता है। राजभवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन होता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता है। अखिलेश यादव एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि उनके माँ बाप से जरा पूछें जो कि इस कोरोना काल में अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये गरीब किसान और छात्रों के साथ कहीं ना कहीं सरकार का षड्यंत्र है। इस तरीके से कहते हुए खुला पत्र अखिलेश यादव की तरफ से लिखा जा रहा है, और अब कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि नीट और जेई की जो परीक्षा है वो इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बनती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के बीच में जो राजनीति है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। कोरोना का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है, कि बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में आकर नीट और जेई की परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्या सरकार के पास इतने पूरे इंतजाम हैं जिसमें वो इतनी बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करवा सके, और अगर इस दौरान छात्र संक्रमण का शिकार होते हैं तो फिर क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेने के लिए तैयार है? इन बातों को कहते हुए समाजवादी पार्टी बेहद उग्र और आक्रामक अंदाज में नजर आई है, और उग्र होते हुए जो विरोध प्रदर्शन है वो राजभवन के बाहर तक भी पहुंचा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध जताया है। विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फिर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, उनको वहां से हटाया गया है, उनको वहां से खदेड़ा गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार ये सवाल पूछ रही है सरकार से कि आखिर अगर कोरोना का जो संक्रमण है वो यहाँ से फैलता है या फिर यहाँ से आंकड़े और ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ आखिर बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये बातें भी आज समाजवादी पार्टी के सरकार से पूछती हुई नजर आ रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और अब बातचीत करेंगे, खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, ये बताएं कि आज नीट और जेई की परीक्षा को लेकर के बहुत हंगामा देखने को मिला है, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बहुत से अभिभावक हैं, बच्चे हैं, और अब राजनीतिक दल हैं जो ये मांग लगातार कर रहे हैं कि कोरोना काल में नीट और जेई का इम्तिहान ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। आप देखा कि कुछ एग्जाम ऐसे भी हुए कोरोना काल में जिसमें 50% से कम लोग आए थे। अगर हम बात करें, एक एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, उसमें 50% से कम हाजिरी थी। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव ने खुला पत्र भी लिखा और कहा कि अगर सरकार
इम्तिहान कराना ही चाहती है तो फिर उससे पहले सांसद विधायकों के बाहर ड्यूटी लगा दें ताकि उनको भी एहसास हो कि किन मुश्किल हालात और किन खतरनाक हालात में इम्तिहान हो रहे हैं। तो ये सब तमाम बातें कही जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो बताया जा रहा है कि जितने गैर भाजपा के प्रदेश हैं, जहाँ गैर भाजपा शासित प्रदेश जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कोर्ट जा रहे हैं ताकि कोरोना काल में जेई और नीट की परीक्षा ना हो। लेकिन आलम यह है कि महज कुछ दिन ही बचा, एक हफ्ते से कम समय का बचा है, तो देखना है कि ये विरोध प्रदर्शन क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है या फिर सही में वास्तव में। फिलहाल बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि देखना यह है कि ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है आखिर कहाँ जाकर रुकता है। इसी के साथ चार के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना है। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number one ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोंडा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। यूपी पुलिस का बाहुबलियों पर सुपर एक्शन, लखनऊ में मुख्तार का किला ढहाया, प्रयागराज में अतीक अहमद के साथ संपत्तियों की कुर्की। नीट और जेई परीक्षा के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, राजभवन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर भांजी लाठियां। लखनऊ में सनकी महिला ने दो कुत्ते के बच्चों को पैर से कुचलकर मार डाला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, खुद को बचाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग, भीड़ के हमले में चार पुलिसकर्मी हुए घायल। मेरठ मेडिकल कॉलेज में छात्रा का हाई प्रोफाइल ड्रामा, साथी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी छात्रा, सेल्फी लेने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी छात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में छात्रा की दुराचार के बाद हत्या की घटना में अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर अपराधियों को यथाशीघ्र सजा दिलवाने के निर्देश दिए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस, खाद्यान्न वितरण घोटाले में 2 अधिकारी सस्पेंड, कानपुर मंडल के संयुक्त आयुक्त खाद्य और जिला पूर्ति अधिकारी नपे।
मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों को खाली करवा रही पुलिस। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात और जेसीबी तैनात। गेट का ताला तोड़कर गिरवाया जा रहा अवैध निर्माण। बाहुबली अतीक अहमद पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज में 25 करोड़ की 5 संपत्तियां कुर्क की गई, डीएम के आदेश के बाद एक्शन किया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और ज्यादा देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। कोविड 19 के मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा करवाने के फैसले का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। 28 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नीट जेईई परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, इस परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, नीट जेईई परीक्षाएं रोकने के लिए सोचें सरकार, एक बार माता पिता के दिल से सोचें सरकार, शहरी और अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने में समर्थ, पैसों वालों की बीजेपी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में लिखा खुला पत्र, अगर बीजेपी ऐसा जानलेवा एग्जाम करवा रही है तो केंद्र के बाहर अपने मंत्री सांसद विधायक तैनात करें। उत्तर प्रदेश में पुलिस में फिर से हुए ट्रांसफर, सचिव गृह विभाग एसके भगत हटाए गए। एसके भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया। तरुण गाबा अब नए सचिव होंगे गृह विभाग के, आईजी विजिलेंस थे पहले तरुण गाबा। प्रयागराज एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, 35 पुलिस कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। कर्मचारियों ने नैतिक कर्तव्य न करने का पाया गया था दोषी, आम नागरिक की शिकायत पर नहीं निभा पाए कर्तव्य। कानपुर में बाबू परवा के ईदगाह में भीड़, पुलिस ने लोगों को खदेड़कर मैदान खाली करवाया, गाइडलाइन के साथ त्यौहार मनाने की अपील। कानपुर में आजी जॉन मोहित अग्रवाल की ओर से गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के जुलूस को दफन को लेकर के अधिकारियों के साथ पैदल गश्त की, लोगों को लॉकडाउन के चलते कोरोना की गाइडलाइन को मानने की सलाह भी दी। आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार का बुलंदशहर का दौरा, आईजी ने फैमिली क्वार्टर का किया सर्वे, एसएसपी को जल्द सुधार के दिए निर्देश, पुराने लंबित मुकदमों का जल्द हो निस्तारण, कानून व्यवस्था को सख्त करने की हिदायत दी। लखनऊ में सनकी महिला ने दो कुत्तों के बच्चों को पैर के नीचे कुचल करके मार डाला, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज किया है। सीतापुर के महमूदाबाद नगरपालिका परिषद में मासिक बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सभासदों के प्रस्ताव पर पालिका के सभी बड़े वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही सरावगी टोला स्थित बालाजी मंदिर में इंटरलॉकिंग लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बदायूं के उसेद कस्बे के शराब की दुकान के पास अचानक से कार में आग लग गई, गैस रिफिलिंग के दौरान यह आग लगी, आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लोगों ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। बस्ती में पिछले 10 दिनों से खाद की किल्लत से परेशान किसान, खाद आने के बाद किसानों से कई जगह पर ओवर रेट लिया जा रहा है, 10 दिन बाद खाद आने के बाद किसानों को जैसे तैसे खाद मिलनी शुरू हुई है। गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ, ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुआ कैंटर, कैंटर ने बाइक स्कूटी और गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग मामूली रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की ओर से घेराव करके हल्ला बोला गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया।
लोगों की मांग है कि 3 महीने तक कामकाज टपरा तो आखिरकार ये बड़े स्कूल अब बच्चों की फीस मांग रहे हैं, वहीं अब मजबूर पेरेंट्स फीस कहां से दें, इसके लिए एकजुट होकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ जेल में बंदी ने लगाई फांसी, कारागार के सर्किल 1 में बंद था कैदी, 2 दिन पहले बैरक बदलने के दौरान हुई थी मारपीट, हत्या के आरोप में जेल में बंद था बंदी। उधर वाराणसी में हादसे का शिकार हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, वाराणसी से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा, जौनपुर के बदलापुर के पास सड़क हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में सिपाही की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत, भिसाना शुगर मिल बुढ़ाना के सामने हुआ हादसा, बिजनौर में तैनात थे मृतक सिपाही रोहित राणा। आजमगढ़ के सिदारी थाना इलाके के गांव में प्रेमी को अपनी प्रेमिका के घर जाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वो गांव में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा ही रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों और परिजनों ने प्रेमी को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय के पास अभिभावकों ने थाली बजाकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार स्कूल फीस को माफ करें, इस मांग को अभिभावक लंबे समय से उठा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई है तो आगामी 2 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि जब स्कूल में क्लास नहीं चल रही तो बच्चों की स्कूल फीस भी उसी हिसाब से तय की जानी चाहिए जबकि स्कूल फीस पूरी मांग रहे हैं। औरैया के एरवा कटरा थाना इलाके के अनुरुद्धपुर क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया, बदमाश सिपाही को गोली मारकर फरार हो गए, सिपाही को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा में भर्ती करवाया गया। महोबा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अज्ञात बुजुर्ग साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया, संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। कानपुर में पुलिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही, 3 लड़कियां 5 लड़के 3 लग्जरी कारें भी हाथ से बरामद की गई, शिवालिक अपार्टमेंट रतनपुर से हुई गिरफ्तारी। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार में पत्रकार नवीन सिंह पर हमला, हमलावरों ने घर में घुसकर किया हमला, हमले में पत्रकार और बड़ा भाई घायल, दबंग रवि राज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में मुजफ्फरनगर के विक्की त्यागी गैंग का नाम सामने आया, शुरुआती जांच के मुताबिक पता चला कि अक्षय की हत्या बदला लेने के लिए की गई। आगरा के थाना अचनेरा के अरुआ खास गांव में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष मारपीट में कई लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थर्ड थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, 12 साल की मासूम बच्ची को एक हैवान ने अपनी हवस का शिकार बनाया, आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसको जबरन उठाकर खाली प्लॉट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बेसुध अवस्था में देखकर इसकी सूचना परिवार वालों को दी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में गौशाला रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया, हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया, परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के गृह क्लेश के चलते अपने ही बेटे को गोली मारकर गंभीर रूप से उसने घायल कर दिया, फिर खुद को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया जहां पर उसकी हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन गोली लगने से मौके पर ही रिटायर्ड दरोगा की मौत हो गई। गोंडा के थाना कोतवाली देहात के लोहिया घाटा गांव में लोग तालिबानी इंसाफ करते हुए नजर आए, आपको बता दें कि एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया,
इस दौरान वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूदा, लेकिन ग्रामीणों ने वहां भी उसे नहीं छोड़ा। भीड़ द्वारा पिटाई से व्यक्ति की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बदायूं के सदर कोतवाली में चोरी का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक चोर दुकानदार के बाहर खड़ी बाइक चोरी की गई। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना इलाके के पास तालाब के किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आगरा के थाना इरादत नगर के थाप मदवारी गांव में हवा में हथियार लहराते हुए दबंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि विवाद के बाद तमंचा लेकर के दबंग यहां पर पहुंचा था और हवा में वीडियो लहराते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। अमेठी में बीजेपी नेता का कोरोना से निधन। बीजेपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश तिवारी की मौत। एक हफ्ते में विवेकानंद अस्पताल में एक हफ्ते से भर्ती थे। वाराणसी में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लगा ताला। नजारत विभाग के दो कर्मचारियों ने कोरोना की पुष्टि। कोरोना पुष्टि के बाद सभी कार्यालय बंद। पूरे परिसर में होगा सैनिटाइजेशन का काम। आगरा के डिप्टी कलेक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय को सील किया गया। अधीनस्थ कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौक में आयुर्वेदिक क्लिनिक पर जानवरों की अंग तस्करी का खुलासा हुआ है। शामली वन रेंजर ने पुलिस टीम के साथ एक आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में हिरण का सींग, चीते के नाखून बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक दिवसीय उपवास शुरू कर दिया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इंदिरा हृदयेश धरने पर बैठ गई। इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, जबकि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में युवतियों से बदसुरुकी के मामले को लेकर जांच को पहुंची पुलिस की टीम पर हमला किया गया। इस मामले में दो युवकों पर युवतियों से बदसुलूकी करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात 10 बजे दीप कॉलोनी में रहने वाली दो बहनों ने चौकी इंचार्ज आशीष रावत को फोन कर कॉलोनी के दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ और बदसुलूकी करने की जानकारी दी थी। इस पूरे मामले में एसओ ने बताया कि अर्जुन और अमित नाम पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, युवतियों से अभद्रता करने, बदसुलूकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। विधायक प्रणव चैंपियन का रोड शो बीजेपी में शामिल होने पर किया गया रोड शो। खुली लग्जरी कार में किया रोड शो। प्रणव चैंपियन को पार्टी ने किया था 6 साल तक के लिए निष्कासित। पौड़ी जिला प्रशासन ने आखिरकार मशक्कत के बाद मानसून सीजन में से निपटने के लिए शासन द्वारा भेजे गए सैटेलाइट फोन्स को 9 नेटवर्क जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया है। कोटद्वार में लगातार बढ़ते नशे के ग्राफ को देखते हुए एसएसपी ने संज्ञान लिया। एसएसपी पौड़ी के निर्देशानुसार नशे की रोकथाम के लिए कोटद्वार थाना इलाके की टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि एनडीपीएस से संबंधित माल की बहुत बड़ी खेप कोटद्वार में बरेली और अन्य स्थानों से आ रही है, जिस पर आईसीयू ने फौरन कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बुधवार को मसूरी में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए। पौड़ी में खाई में गिरी दूध की गाड़ी। गढ़वाल नेशनल हाईवे 119 के ज्वालपा देवी के पास हुआ हादसा। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर ब्लॉक के नेशनल हाईवे 58 पर मलेथा के पास कार पुलिया पर टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त पुलिया के दूसरी ओर मौजूद लोग इसकी चपेट में आने से बच गए।
विकास नगर में भारी बारिश का कहर जारी। पानी के तेज बहाव में बह गई कार, कार से बच्चों समेत दंपति सुरक्षित बाहर निकाले गए। लांगा रोड पर शीतला नदी में आया तेज बहाव, मूसलाधार बारिश की वजह से उफान पर नदियां। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना मरीजों की संख्या 33,00,000 के पार। कोरोना से अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। चूरू में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में कोरोना के 5,640 नए केस, कोरोना मरीजों की संख्या 2,03,000 के पार। उधर उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस सामने आए, कोरोना मरीजों की संख्या 16,500 के पार चली गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस वायरस के चलते देश में 33,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई ठोस वैक्सीन नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद पिता के सिंह ने वीडियो मैसेज जारी किया है। सुशांत के पिता के सिंह के मुताबिक रिया लंबे समय से सुशांत को जहर पिलाती थी और उसकी हत्यारी है। रिया और उसके सहयोगियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग उन्होंने की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने कहा कि अगर सुशांत को कोई गंभीर मानसिक बीमारी परेशानी थी तो रिया के परिवार को बताना चाहिए था। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। जितना फायदा उठाना था उठा लो, लेकिन जब जिम्मेदारी का समय आए तो छोड़कर भाग जाओ। नगोड़ी व्यापारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल माल्या ने 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसमें बैंक लोन देकर $40 मिलियन अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना था। सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली पिता बनने वाले। उन्होंने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर साझा की है और बताया कि जनवरी 2021 में उन्हें उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हालांकि तमन्ना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात की जानकारी खुद तमन्ना ने सोशल मीडिया पर दी। डांसर और एक्टर पुनीत पाठक ने अपनी गर्लफ्रेंड निधि मुनी सिंह से सगाई कर ली है। पुनीत ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद कोरियोग्राफर गीता कपूर, रेमो डिसूजा, टेरेंस लॉरेंस समेत कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी। बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज आश्रम 28 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर MX प्लेयर पर रिलीज होगी। इस थ्रिलर ड्रामा सीरीज से बॉबी देओल अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। वेब सीरीज में बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म खाली पीले का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया। 3 दिनों के अंदर ही टीजर को 1 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक्स मिले हैं और इसे ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म 1991 की फिल्म का सिक्वल है। इसमें पूजा भट्ट संजय दत्त लीड रोल में थे। फिल्म में आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और पूजा भट्ट नजर आएंगे। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने डांस से कई फिल्मों में खूब धमाल मचाया। मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर से छैया छैया सॉन्ग पर अपने डांस से धमाल मचा कर रख दिया है। मलाइका अरोड़ा और डांसर टेरेंस लेविस के साथ छैया छैया गाने पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आए हैं। नेहा धूपिया गुरुवार को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। नेहा धूपिया ने फिल्म कयामत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में नेहा के अपोजिट अजय देवगन थे। नेहा अब रियलिटी शो रोडीज का हिस्सा बनी हुई है। धनाश्री वर्मा इन दिनों अपने डांस वीडियो से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। धनाश्री वर्मा का एक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
तेरे मूव्स ओके, तेरी लुक ओके, तेनू देख देख के मुंडे भरदे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा सा बच्चा गोविंदा के गानों पर ना सिर्फ लाजवाब डांस कर रहा है बल्कि बीच बीच में जबरदस्त एक्टिंग भी कर रहा है। इस छोटे बच्चे को सोशल मीडिया पर खूब कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, साथ ही लाइक्स भी मिल रहे हैं। घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना राजू में। एक्टर सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान ने एक साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अब फिल्म टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर की सिफारिश पर कबीर खान टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए साथ में जुड़ने वाले हैं। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadley.com, alcoplus@picadley.com। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water Campaign. Hi, this is Mrinal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please, please save water. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डिश टीवी के चैनल नंबर 4024 पर उपलब्ध है। हम खबर दिखाते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और जो पुलिस जो की जो कार्यशैली है उसको आप... होता है बड़ा सर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मणिमंजरी मौत के मामले में हरकत में पुलिस आई है, एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। हम हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई हुआ है। मणिमंजरी मौत के मामले में हरकत में पुलिस आई है, एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। हम हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है
बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadley.com, alcoplus@picadley.com। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे, जब बेमतलब के चैट ग्रुप्स शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water Campaign. Hi, this is Mrunal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please, please save water. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। खास खबर के सहप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोंडा में 300 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर सबसे कम। अफसरों के साथ की मैराथन बैठक। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में चली गोलियां, पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, 4 सिपाही घायल, पुलिस को करनी पड़ी जवाबी फायरिंग। यूपी पुलिस का बाहुबलियों पर सुपर एक्शन। लखनऊ में मुख्तार का किला ढाया, प्रयागराज में अतीक अहमद के साथ संपत्तियां भी कुर्क।